नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर हमारा खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं सियासी माहौल को टटोलता हुआ होशंगाबाद में आ गया हूं। होशंगाबाद के ये नर्मदा का तट है, सेठानी के नाम से जगह को जाना जाता है और इस घाट पर हमारे साथ तमाम स्थानीय लोग हैं जिनसे हम अगले आधे घंटे की बातचीत में ये संभावना टटोलेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की राजनीतिक और क्या संभावना बन सकती है, किस तरह वोटर सोच रहा है यहाँ का और वो सरकार यानी बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कामकाज से कितना खुश है या नाखुश है, और कांग्रेस जो दावा कर रही है सरकार में वापसी की उसके दावों और दलीलों पर उसको कितना एतबार है। इन तमाम बातों पर, यहाँ की समस्याओं पर यहाँ के लोगों से ही हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, एक लंबा अरसा हुआ आपने मीडिया में काम किया, चार विधानसभा सीटें हैं होशंगाबाद ज़िले में, चारों विधानसभा सीटों को आप किस नज़र से देखते हैं? पिछले चुनाव में चारों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी यानी सियासी मैच एक तरफा हो गया था, इस बार आप क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, पिछले चुनाव में जो हुआ था कि कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर थी और टक्कर के बाद ये हुआ था कि नर्मदापुरम जिले की जो चार विधानसभा हैं, पिपरिया, सुहागपुर, इटारसी, नर्मदापुरम और सिवनीमालवा, चारों पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो पराजित हुए थे और भाजपा ने पूरी तरीके से यहाँ पर विजयश्री प्राप्त की थी। अगर हम विकास की बात करते हैं तो ऐसा कोई बड़ा उद्योग इटारसी, होशंगाबाद, नर्मदापुरम विधानसभा में नहीं है जिसको लेकर युवा यहाँ पर एक तरीके से स्थापित हो सके। निरंतर रोजगार की तलाश में उनको शहर छोड़कर या तो भोपाल, इंदौर या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है जिसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उद्योगों को लेकर वो नहीं है। अगर हम दूसरी बात करते हैं एजुकेशन को लेकर, तो कोई बड़ा महाविद्यालय यहाँ पर, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है। अभी बीच में एक मांग उठी थी कि इस क्षेत्र के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं सेठानी घाट से लगा हुआ जो उस तरफ का क्षेत्र है वो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके क्षेत्र में आता है और मेडिकल कॉलेज जो था वो अभी जाकर बुधनी में उसकी स्वीकृति हुई है और उसका काम भी चालू हुआ है। और जितने बड़े उद्योग हैं सारे के सारे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के अंदर आते हैं। लेकिन नर्मदापुरम की बात करें हम, पिपरिया की बात करें हम, या सिवनीमालवा की बात करें या सुहागपुर की बात करें, तो यहाँ पर उद्योग के मामले में, विकास के मामले में टोटल नगण्य है। आज भी हमें ज़रूरत है नए नए उद्योगों को लाने की जिससे युवाएं पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सके। युवाओं को रोज़गार मिले, उद्योगों का विकास हो, उद्योगों को लाया जाए। पहले भी हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, समस्या यही आती है कि जो उद्योग थे पहले वो भी यहाँ से पलायन कर गए। युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं, सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक छात्र हूं, तो मैं उसी मानसिकता से आपके बारे में आपके समक्ष में अपनी विचारधारा रखूंगा। तो मेरा मानना ये है कि आज का जो युवा है, सबसे पहली बात तो है कि वो अपनी शिक्षा पूर्ण करता है और फिर रोज़गार के लिए भटकता है, जो कि आप सब भी जानते हैं और हमें भी पता है। मैं भी उसी समय से, उसी दुर्दशा से गुजर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक छात्र, प्रत्येक युवा रोज़गार के लिए परेशान है। उसको मन चाह रोज़गार नहीं मिल पाता, अपनी वो शिक्षा पूर्ण कर लेता है, उस योग्य वो अपने काम को कर नहीं पाता है, तो इसलिए युवा बहुत परेशान है आज के वक्त पे। आप लोगों के पास मैं आऊँगा, पहले इस तरफ से भी मैं रिएक्शन ले लूँ, सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं आप और क्या उसी तरह का ट्रेंड दिखाई देगा इस चुनाव में जो पहले दिखा था, या फिर इस बार कुछ बदलाव की लहर भी आप समझ रहे हैं? देखिए, सन 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले कांग्रेस की लगातार 10 साल सरकार थी, तो इतनी स्थिति खराब थी, न सड़क, न बिजली, न पानी, लोगों में हाहाकार था। सन 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद विकास का रथ चला और विकास चलते चलते आज 2003 के बाद 2008 आया। 2008 में भी भाजपा को जनता ने विकास के कारण उनको बहुमत दिया। 2008 के बाद 2013 आया, 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। फिर 2018 आया, भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें कम रही कांग्रेस से, कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, कमलनाथ जी की सरकार, कोई विकास नहीं हुआ, कोई योजनाओं का लाभ जो भारतीय जनता पार्टी देती थी गरीबों को, अंत में बैठे हुए गरीब को, वो भी बंद हो गए। उसके बाद आपसी उनका टकरार हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आ गई।
सरकार आई, सरकार के बाद कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना हुआ, कोरोना में मोदी साहब ने ऐसी व्यवस्था की भारत के 130 करोड़ लोगों की कि उनको सबको सुरक्षित रखा और बड़ी संख्या में लोगों को बचाया गया। वैक्सीन दी गई, भारत सरकार में वैक्सीन बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैक्सीन दी गई, एक डोज दिया, दूसरा डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, पूरे देश पूरे दुनिया में भारत का नाम हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने जितना विकास करना था उससे बहुत ज़्यादा अधिक किया। आज हमारी होशंगाबाद विधानसभा की मैं बात कर लेता हूँ, एक विधानसभा का शहर होशंगाबाद, यहाँ पर आपके छोटे से शहर में दो दो ओवर फ्लाई ब्रिज हैं, दो दो अंडर ब्रिज हैं, नर्मदा कॉरिडोर यहाँ बनने जा रहा है, इसके पैसे आ गए हैं। रेलवे स्टेशन में अभी 18-20 करोड़ रुपए का रेलवे स्टेशन को काम चालू है। उसके बाद यहाँ पर ये लाख कॉलेज, वो उस मध्य प्रदेश में अभी लाख कॉलेज का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है 4-5 करोड़ का। मैं दोबारा से फिर एक बार आऊँगा, जैसा भाई साहब कह रहे थे कि युवा पढ़ता है लेकिन उसको उस तरह रोजगार नहीं मिलता, दिक्कत है, तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, बस रोजगार की जो समस्या अभी उठाई गई है उद्योग के लिए, अगर उस दिशा में यहाँ पर काम हो जाए नर्मदापुरम में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रदेश की या देश की उन्नति तब होती है कि जब वहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो और यहाँ के उद्योग के लिए जो भी ज़मीनें उपलब्ध कराई जाएँ और नई नई फैक्ट्रीज यहाँ पर लगाई जाएँ, जितना यहाँ पर उद्योग होगा, रोजगार होगा, स्थानीय लोगों को बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। क्या कहते हैं? मेरा तो सिर्फ एक ही है कि मोदी जी जो हैं वही हमारे 100 साल का भविष्य निर्धारण कर रहे हैं और मैं वो शिवराज सरकार से और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहूँगा। आप संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से, क्या कहेंगे आप? रोजगार बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार जिसको करना होता है वो जो मतलब कर असमर्थ है वो कर वही कर पाता है। जैसे टीम इंडिया में 11 खिलाड़ी हैं, वो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि वो लायक हैं 11, तो वो कर रहे हैं। जो पढ़ाई करता है तो वो उस लायक नहीं हो पाता, पढ़ने का निकल जाता है और वो चाहता है कि मेरी पढ़ाई इस लायक मुझे जॉब मिले, लेकिन वो उस काबिल नहीं होता, इसलिए नहीं मिल पाता। जो काबिल होता है उसको जॉब मिल जाता है, मौके भी नहीं मिलते। मौके क्यों नहीं मिलते? जिनको जो जॉब करता है उसको मौके नहीं मिलते उस पोस्ट पर। जितने पढ़े लिखे हैं सबको नौकरियाँ भी नहीं मिलती? नहीं, सबको मिलती। पढ़ाई लिखाई का जिस स्तर से उनको पढ़ना चाहिए उस स्तर से अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जरूर मिलता है। ठीक है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जी सर, बताएं क्या समस्याएं आप देख रहे हैं अपने इलाके में? मेरा मानना है आज का जो चुनाव अब हो चुका है, पहले चुनाव जो होते थे जातिवाद और समाजवाद और इस पे ही आधारित होते थे, पर अब आज के चुनाव जो हैं वो योजनाओं पे आधारित हो गए। एक पार्टी अगर कोई योजना बनाती है तो दूसरी पार्टी चाहती है कि अच्छी योजना बने। आज स्वच्छता अभियान जैसा जो मिशन निकाला है, स्वच्छता अभियान के तहत लोग कितना अवेयर हो गए, आप ये देखिए कि कचरा फेंकने में भी एक सामने वाला बोर्ड लगा के रखता है कि कचरा यहाँ ना फेंके। और दूसरी बात यह है कि चुनाव के समय जब व्यक्ति वोट डालने जाता है तो बाकी सारे मुद्दों को नज़रअंदाज कर देता है और फिर वो समाजवाद और जातिवाद के नाम पर वोट दे देता है या फ्री वीस के नाम पर वोट दे देता है। और ये फ्री वीस आज तो नहीं, आने वाले कल में बहुत घातक होगा। आज 1000 रुपये दे दिए, उनने 1500 दे दिया, कल केजरीवाल आके बोलेंगे 2000 दे देंगे। अगर इन्हीं पर चुनाव लड़ना है तो फिर 5 साल सरकार क्यों है? 5 साल के बाद फिर सरकार 3000 रुपये दे, 5000 रुपये दे, उसके नाम पर वोट ले ले। सुहागपुर में मैं विधानसभा में अभी था एक कार्यक्रम में, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सभा थी, उसको कवर करने गया था। वहाँ भी उन्होंने पूरी अपनी स्पीच को धर्म और जाति से जोड़ के, और इस तरह का उनका परसेप्शन था कि भाई आप भगवान राम तक के उन्होंने जिक्र कर दिया, राहुल गांधी का भी खानदान बता दिया। वो चुनाव वो कहीं ना कहीं उनकी खुद कोशिश होती है कि जाति धर्म पर हम ले आएँ। जातिगत जनगणना जो करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, हम उसके बहुत खिलाफ हैं। समाज में बहुत ज़्यादा विमनस्था फैल जाएगी उससे, और जो समाज को एकजुट करने की कोशिश हो रही वो पूरी तार तार हो जाएगी। नहीं, और मेरी बात भगवान राम की बात आई, देखिए आज भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं। आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो भगवान राम को अयोध्या में ही मंदिर बनेगा। आज 500 साल बाद अगर किसी पार्टी के द्वारा मंदिर बनवाने का प्रयास किया गया और 500 साल बाद भगवान राम अपनी जब घर पहुंच रहे हैं, एक शादी 10 साल हो जाते शादी को तो पत्नी भी बोलती है अपना खुद का घर कब होगा, ठीक है ना? एक पत्नी भी बोलती है कि अपने बच्चे कब अपने घर में रहेंगे। क्या सीता मैया राम जी से नहीं कहती होगी कि कब अपना अयोध्या में अपनी नगरी में अपना घर होगा? तो अलग बात है। नहीं तो अलग बात नहीं है, परंतु क्योंकि धर्म के आधार पर देखो, जिसने किया उसका तो बोलना पड़ेगा, जिसने भी किया उसका बोलना पड़ेगा। 500 साल बाद अगर वो अपने घर पर आए हैं तो उस चीज़ के नाम पर वोट
वोट लेना आधा नहीं है, उस चीज़ को बताना कि हमारे द्वारा ये किया गया, उसका वोट लेने से कोई संबंध नहीं है। मैं कांग्रेस की भी बहुत सारी योजनाएं अच्छी हैं, कांग्रेस ने भी निकाला है, जो उन्होंने काम किए हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। आज उन्होंने एम्स स्थापित किए, आज उन्होंने बड़ी बड़ी वो की है, परंतु आज का जो परिदृश्य है, आज के परिदृश्य में फ्री वीज पर सबसे पहले लगाम लगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ पर आना चाहिए कि फ्री वीज स्वयं संज्ञान लेने रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए, वोट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी बिल्कुल नहीं बांटनी चाहिए। और एक और चीज, गरीब महिलाओं के लिए आपने 1000 रुपए दिए हैं, तो इसका इफेक्ट भी होगा कि अमीर महिला जिनको नहीं मिल रही वो वोट नहीं देगी, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जा रहा है ना जो कमा रहे हैं। इस पे रिएक्शन ले लूं, कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी योजना निकाली थी, गाँव का बच्चा ही गाँव में घंटी बजाए, तो हमने 500 रुपये में घंटी बजाई, मास्टर बने, आज हमको 4500 रुपये मिल रहा है। कांग्रेस में हम हमेशा वोट देंगे और जिंदाबाद कांग्रेस। चलिए, आपका एक विचार ये निकल के आया कि आप एक महिलाओं के लिए शिवराज झूठा ने पैसा देना चालू किया है, वो मोदी जी के चुनाव के बाद बंद हो जाएगी सारी योजना। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, लाडली बहना योजना सरकार ने शुरू की है, जिन माताओं को, बहनों को, महिलाओं को मिल रही है, कैसे देख रही हैं आप इस योजना को? नहीं, मैंने बहुत सी कोशिश की, मेरा तो फॉर्म ही नहीं भरा है इसमें। आपका फॉर्म नहीं भरा? फॉर्म ही नहीं भरा है। लेकिन योजना अच्छी है? हाँ, अच्छी है। जो मतलब महिला है, इनकी परिस्थिति मतलब बहुत बेकार है, उनके लिए बहुत अच्छी, उनकी थोड़ी सी उनको मदद तो मिलेगी, कुछ तो मदद मिलेगी, कुछ नहीं तो बच्चों का तो थोड़ा बहुत उनका करेंगे। कह रही है कि दोबारा सरकार बनी, 3000 रुपए महीना जाएंगे, 450 का सिलेंडर भी होगा। जी जी, सुनने में आया जी, लेकिन बट मेरा फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसके लिए सब भर दिया, लेकिन वो 23 से 24 ईयर में कर दिया, लेकिन उसमें फॉर्म ही नहीं भरा, कैंसिल ही कर दिया, ये बहुत गलत किया है। लेकिन आपको लगता है कि अच्छी योजना है महिलाओं को? जी सर, हाँ जी सर, मिल रही है, हर महीने पैसे आ रहे हैं, हर महीने पैसे आ जाते हैं। जी सर, हाँ, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई थी, दोनों तरह की चीजें आपने देख ली, फ्री की रेवड़ी नहीं बटनी चाहिए वोट बैंक के लिए या वोट बटोरने के लिए, और एक दादा थे जो भी कह रहे थे कि हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस ने हमारे लिए अच्छा काम किया। आम आदमी के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं सरकार के काम? एक्चुअली मैं आया हूँ भोपाल से, और यहाँ नहाने के लिए आया था घाट पे, तो मेरे भोपाल में हेंगे विश्वास जी, वो तो बहुत काम करा रहे हैं, नालियाँ बनवा दी, सड़कें बनवा दी, और भी अगर अपन उनके पास जाओ करवाते हैं तो वहाँ मेरे साथ बहुत अच्छा काम। यहाँ भी मैंने देखा आकर, तो घाट के इधर आते आते मैंने ये देखा कि बीजेपी कई जगह झंडे लगे हैं, और बातचीत जो चल रही है चुनाव के चक्कर में कई जगह, तो ये बातचीत चल रही है यहाँ बीजेपी आएगी, तो मतलब इधर कुछ काम हुआ होगा, तभी यहाँ के लोग, आम जनता है, वो बोल रही है कि भाई यहाँ बीजेपी आएगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ के लोग भी संतुष्ट तो हैं। संतुष्ट हैं लोग आपके हिसाब से? 4 सीटें, चारों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। इस बार मुश्किल होगा बीजेपी को कि थोड़ा सा, कि कांग्रेस अगर कमबैक करती है, कांग्रेस टक्कर देने कोशिश भी करती है, या फिर से वही तस्वीर होगी कि एक तरफा मैच कर सकती है बीजेपी? नहीं नहीं, अगर हम बात करते हैं नर्मदापुरम जिले की, तो नर्मदापुरम जिले की 4 सीटों में 3 सीटों पर इस समय त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर सिवनी मालवा क्षेत्र की बात करते हैं, तो सिवनी मालवा में दादा हजारी लाल रघुवंशी, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। दोबारा लौट जाऊंगी, छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले लूं, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते हैं। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं चर्चा जहां मैं छोड़ी थी ब्रेक से पहले, वहीं से शुरू करूंगा। जो आप बता रहे थे समीकरण कि 3 सीटों पर त्रिकोणात्मक चुनाव हो सकता है, ट्रायंगुलर कैसे लड़ाई है ये? देखिए, जिले में 4 विधानसभा की सीट है, उसमें सिवनी मालवा विधानसभा सीट पे जो त्रिकोणीय मुकाबला है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं मिस्टर प्रेम शंकर वर्मा, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से एक नए युवा चेहरे को टिकट मिली है, ब्रजेश पटेल, अजय पटेल नाम के, लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे ओम रघुवंशी, उनको टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने बागी रूप अपना लिया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नामांकन दायर किया, और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। एक अच्छी शख्सियत है, क्षेत्र में अच्छा दबदबा उनका है, जिसके चलते लगभग त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ संभव है। अगर हम इटारसी और नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो वर्तमान में डॉक्टर सीता शरण शर्मा यहाँ की विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने उनके ही सगे बड़े भाई पंडित गिरिजा शंकर शर्मा, जो पूर्व में 2 वर्ष
दो बार के विधायक रह चुके थे, वो आज उनके सामने हैं, कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कुर्मी समाज की जो वोट थी, तो उसमें जो भगवती प्रसाद चौरे थे उनको टिकट नहीं मिली, और टिकट नहीं मिलने के कारण, चूंकि वो प्रबल दावेदार थे, टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, और आज वो चुनाव चिन्ह आटो के साथ आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। सुहागपुर विधानसभा की बात करें तो सुहागपुर विधानसभा में विजय पाल जी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल के बीच में सीधा मुकाबला है। अगर हम पिपरिया की बात करते हैं तो पिपरिया में एक धड़ा जो नाखुश कांग्रेस से था, वो उसने अपने तीसरे प्रत्याशी को खड़ा किया, वहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान के जो विधायक है ठाकुरदास नागवंशी, वो चुनाव में मैदान में है। कांग्रेस ने वहाँ पर मिस्टर देवेंद्र को टिकट दी है। इस प्रकार से अगर हम गणित लगाएं तो नर्मदापुरम के अंदर एक कसमकस की स्थिति इस समय चुनाव के दौरान बनी हुई है। मतदाता पूरी तरीके से आश्वस्त है और क्या कर सकता है, बटन किसकी दबाएगा ये कोई कह नहीं सकता है। सरकार भी हो सकता है, चूंकि क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। महिलाओं की हिफाजत की सुरक्षा की बात की जाती है, सरकार कहती है कि वुमेन सिक्योरिटी पर बहुत काम किया है, सुरक्षित महसूस करती हैं आप? जी। आपको लगता है सरकार ने अच्छा काम किया? जी। और युवाओं की जब बात होती है कि शिक्षा की बात, रोजगार की बात, युवा हैं आप, शिक्षा के जो अवसर मिलते हैं, जिस तरह आप लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कितनी दिक्कत होती है या आसानी से आपको फिर नौकरी या रोजगार की दिशा में भी काम मिलता है? हमें इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि जो जो नंबर पहले पास आउट में जो नंबर सीट मिलती थी वो उसको ज़्यादा ही हाई कर दिया गया है अब, जो जैसे कि कम बच्चों सिलेक्शन हो और सीट कम देते, फॉर्म इतने भरे जाते हैं, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, और सीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा कर दिया है सरकार ने इस टाइम। ठीक है, आप लोगों से फिर मैं, आप लोग पहले जो कह रहे थे भाई फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस तो ये कहती है कि इतना बोझ है सरकार पर, उसके बाद तमाम योजनाएं, और शिवराज सिंह को दिए भी कहा जाता है कि उन्हें खुद याद नहीं होगा जितनी उन्होंने योजनाओं की घोषणा कर दी, वो तो टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, तो खजाना तो कहीं से आता नहीं है, तो वो बोझ तो उसी जनता पर पड़ता है। आप एक तरफ से लेकर दूसरे को दे देते हैं और अपना वोट बटोरते हैं। देखिए क्या है, पूरे भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, पर क्या है, दक्षिण भारत में आप देख लीजिए, सबसे पहले शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, काफ़ी समय पहले वहाँ पर ये योजनाएं वो योजनाएं, तो अब फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी योजनाओं का लाभ अंत तक बैठे हुए गरीब लोगों को दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं लागू हो रही और वो सभी योजनाएं बैंक के अकाउंट द्वारा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा इसमें और कुछ नहीं हो रहा, वो बैंक के अकाउंट द्वारा उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा पहुँचता है। तो भारतीय जनता पार्टी की योजना जितनी है बहुत अच्छी है। अब देखो टैक्स है, टैक्स तो देश चलाने के लिए दिया जाता है, सभी व्यापारी वर्ग टैक्स देते हैं खुशी के साथ, पहले तो कोई टैक्स भरता नहीं था। मोदी साहब ने, सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के साथ 40 साल सरकार रही, टैक्स देना नहीं सिखाया व्यापारियों को, और मोदी साहब ने ये कहा कि आप टैक्स देना सीखें। आखिर जनता को पहले पीड़ा हुई, व्यापारियों को, मैं भी खुद व्यापारी हूँ, हमें भी ऐसा लगता था यार टैक्स, पर आज सभी व्यापारी पूरे देश के इतना खुश हैं कि उनको लगता है कि टैक्स देना चाहिए। 100% लोग पक्का काम कर रहे हैं, 1,78,80 लाख इस तिमाही में, इस महीने में टैक्स मिला है भारत सरकार को, वो पैसा जनता के लिए ही है, गरीबों के लिए ही है, विकास के लिए है, तो विकास भी हो रहा है और जनता में बैठे हुए गरीब लोगों को उसका जो हक है उनको वो हक भी मिल रहा है। हक मिल रहा है आप कह रहे हैं, घोषणा पत्र में इस तरह की घोषणाओं की झड़ी लगा दी जाती है कि इतना फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये ठीक है? देखिए घोषणा पत्र में ये जो झड़ी लगाते हैं उन पर अमल भी होता है, कुछ चीज़ें संभव होती हैं कुछ नहीं होती। जो चीज़ सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि घोषणाएं पूरी की जाएं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि फंड्स नहीं होते, कमी रहती है, कुछ पे अमल नहीं हो सकता, लेकिन जो हो सकता है उस पर सरकार अमल करती है। और हर चीज़ पे जो अभी बता रहे थे कि भाई साहब कि जो टैक्स वाली बात भी बहुत अच्छी हुई है, मोदी जी के राज में ही टैक्स भरना व्यापारियों ने अच्छे तरीके से सीखा है, काम करने के तरीके में फ़र्क आ गया है। अगर आप 5 साल पहले 7 साल पहले और आज के फ़र्क जाएं तो हर आदमी अब टैक्स भरने के लिए तैयार है, खुश है, खुश है, खुश है। अच्छा हुआ, अच्छा बदलाव आया, बहुत बढ़िया बदलाव आया है, ऐसा बदलाव हमको हमेशा चाहिए। ये जो रोड और फ्लाईओवर जो इतने सारे हमने चौड़े चौड़े रोड देख रहे हैं, जो दो दो घंटे तीन तीन घंटे बुधनी घाट पे हम लोग रुके रहते थे, कहो रात हो जाए नाश्ता वहीं करना पड़े, आज हम 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने जितनी योजनाएं की घोषणा की थी योजनाओं की, उस पर अमल हुआ सब पर? देखिए, कुछ पे तो काम चल रहा है और कुछ हो रही है। हम मोदी सरकार के और 100 साल का नेतृत्व हम और चाहते हैं, शिवराज जी का भी हम उतना ही समर्थन करेंगे। अपने घर में अगर कोई प्लान करते हैं ना कि हम 5 साल के बाद ये टारगेट अचीव कर लेंगे, हम घर में भी तो भी 100% हम वहाँ पर भी नहीं कर पाते टारगेट अचीव, तो सरकार के ऊपर पूरा सब कुछ लेके साथ में चलना होता है, तो वहाँ कैसे संभव है कि 100% घोषणा पत्र को हम उसको अप्लाई कर दें? और इस चक्कर में हम जीरो भी नहीं कर सकते। जब अपने घर का हम एक टारगेट बना के चलते हैं, आज रात का मेरा टारगेट है कि मैं 4 घंटे के बाद ये करूंगा, मुझे जिस चीज़ में कमी होगी वो 4 काम मेरे नहीं हो पाएंगे, एक चीज़ मुझे कट करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश आदमी को करनी चाहिए। ये जो आम जनता होती है ये समझदार नहीं होती, होशियार होती है। अब इन्हें होशियारों को वोट पाने के लिए ये कुछ ऐसे चूल्हे बोले जाते हैं, वादे किए जाते हैं, जिसमें कुछ जरूरी होता है वो पूरा कर देते हैं, जो नहीं होता, जो जरूरी नहीं होता उसे नहीं हो पाता है पूरा। जो भी सब राजनीतिक घोड़ा भाग है, और ये सब राजनीतिक पार्टियाँ जो घोषणा पत्र बनाती हैं वो लुभावने वादे इसलिए करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट हम ले सकें। उसमें से कई वादे वो करती हैं और उस पर अमल भी हो पाता है, कई वादों पर वो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने जो काम किया है इस देश के अंदर, वो कोई भी पार्टी कर नहीं पाई है, बीजेपी के अलावा ना ही मुझे लगता कर पाएगी। हम चुनाव यहाँ शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे लड़ा जाएगा या मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा? मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा इस बार का चुनाव। तो इस बार तो बीजेपी ने ऐसी तस्वीर उलझा दी है कि सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर भी बहुत तरह की चर्चा है। देखिए, हम लोगों की जो विचारधारणा है, हम लोगों का मानना है कि हम मोदी जी की विचारधारणाओं पर चलने वाले व्यक्ति हैं, और मोदी जी की जो विचारधारा है, मेरा मानना है कि देश के अंदर उनके जैसी सुविचारधारा शायद ही किसी की होगी। जो आज इस स्थिति में, आज की कंडीशन में भारत खड़ा हुआ है, वो बीजेपी की देन है, मोदी जी की देन है। अगर बीजेपी ग्राउंड लेवल पर स्ट्रांग नहीं रहेगी तो स्वाभाविक है कि आगामी स्तर पर दिक्कत आएगी, ये मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस बातचीत में, चर्चा में, ज़्यादातर लोग बीजेपी की नीतियों से, बीजेपी सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखे। वहीं हमारे साथी विनय जी ने ये कहा कि मुकाबला कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है, दिलचस्प हो सकता है, क्रॉस वोटिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो असंतुष्ट थे वो दूसरे पार्टी से सिंबल ले आए या उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, तो ये एक चुनौती हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो एक राजनीतिक तस्वीर बनती हुई दिख रही थी उसके हिसाब से मैंने बताया कि यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होगा, और आखिरकार नतीजे क्या होंगे ये जनता तय करेगी, और 3 दिसंबर को जब नतीजे बाहर आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि आखिर इस ज़िले यानी नर्मदापुरम, जो नया नाम है, होशंगाबाद जिले की 4 सीटों पर क्या नतीजे रहेंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।